हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक से इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट समझाए थे और अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर मेन आपको ईयर्स का ध्यान रखना है। तो हिस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस की। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान के अंदर ये कौन से शेड्यूल के अंदर अप्लाई करता है। तो यस, इट लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सेवंथ शेड्यूल। ये सेवंथ शेड्यूल के अंदर लिस्टेड होता है और एज ए यूनियन लिस्ट, जिसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का कोई होल्ड नहीं, ठीक है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिर्फ इसको रेगुलेट करती है। सेकंड वन है कि पर्पस क्या है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस। जो आपको रिस्क है फाइनेंशियल लॉसेस का, उसके अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी या आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन देती है। नेक्स्ट वन है कि हिस्ट्री, ये कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी ना, तो यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो बच्चे, फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, वो फर्स्ट LIC थी हमारी इंडिया की। कौन सी? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि इंडिया की एस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ हुई थी? यूरोपियन इन कैलकटा में। ओके, आगे बात समझ कि कैलकटा के अंदर फर्स्ट ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सेटअप हुई थी। उसके बाद बट ये जो है वो फेल्ड हो गई थी 1834 के अंदर। तो 1834 के अंदर ये फेल हो गई थी। तो अब सेकंड वन है, इसके अंदर हम बात कर लेते हैं अपनी। वेट अ मिनट। यस, अब बात करते हैं कि 1829 में, 1834 में ये वाली ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फेल हो गई थी, बट 1829 के अंदर एक नई कंपनी सेटअप हुई थी। मद्रास इक्विटेबल ने स्टार्ट की थी ट्रांजैक्टिव लाइफ इंश्योरेंस इन मद्रास प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन आ सकता है कि 1829 के अंदर कहाँ नई कंपनी स्टार्ट हुई थी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी। या आप ये कह सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कौन से ईयर में मद्रास में एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप बोल सकते हो 1829। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट वन है कि ये अभी तक क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैंड में था। तो फर्स्ट जो इंडियन कंपनी स्टार्ट हुई थी ये अभी तक है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही होल्ड था। लेकिन 1870 के अंदर एक सोसाइटी बनी थी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, जो कि फर्स्ट इंडियन LIC, फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और उसका नेम क्या है। तो आप बोलोगे 1870 में स्टार्ट हुई थी और बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस, एश्योरेंस सोसाइटी थी। ठीक है, और फिर अभी तक कोई एक्ट पास नहीं हुआ था, जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वैसे ही बैंकिंग कंपनीज एक्ट है, तो एक्ट नहीं पास हुए थे। तो एक जाके 1912 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 जो है वो पास हो गया था। ठीक है, अब इस एक्ट का ये क्या रीजन क्या था? ये एक्ट जो है वो कहता था कि ये नेसेसरी है कि प्रीमियम रेट टेबल्स एंड पीरियोडिकल वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज शुड बी सर्टिफाइड बाय एक्चुरी। हाँ बच्चे, एक्चुरी क्या होता है? ये एक तरह की पोस्ट होती है। ठीक है, पोस्ट है कि जैसे अब आपको मैं बोल देती हूँ कि अकाउंट्स को चेक करने के लिए हम CA होता है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस सेटअप करने के लिए या लाइफ इंश्योरेंस में कि किस पॉलिसी में कितना प्रीमियम करना है, अगर आप 5 ईयर्स की पॉलिसी ले रहे हो, आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, आप किस तरह की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है और डिफरेंट पॉलिसीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रीमियम है, कोई तो इनका मेन रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे ना। ये थोड़ी ना कि कुछ भी अपने हवा में ये इन्होंने बात करनी है,
ऐसा नहीं होता है, इन्होंने अपने प्री स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं और वो प्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करता है, प्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसीज बनी होती है, जिससे कंपनी को भी फायदा हो और साथ के साथ जो हमारा क्लाइंट है उसको भी फायदा हो। तो ये सारा काम कौन संभालता है? एक्चुअरी संभालता है। तो क्या प्रीमियम रेट टेबल्स होगी, ठीक है, कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना प्रीमियम पे करना है, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, सिक्स मंथली कर रहे हो, तो किस तरह से क्या प्रीमियम पे करना है, और पीरियडिकल वैल्यूएशन निकालनी की कंपनी कि वो सर्टिफाइड कौन करता है, एक्चुअरी करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रीमियम रेट टेबल्स को कौन सर्टिफाई करता है, तो आप बोलोगे एक्चुअरी सर्टिफाई करता है। तो मेन 1912 में जो ये एक्ट पास हुआ था, इसका मेन रीजन यही था कि एक्चुअरी को सर्टिफाई करना। 1912 में पास हुआ, उसके बाद फिर से 1932 के अंदर एक इंश्योरेंस एक्ट 1938 पास हुआ। बच्चे ये जो 1912 में हुआ था ना, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट पास हुआ था। डिफरेंस देखिए, 1912 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था, बट 1938 में इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था, और उस इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लाइफ एंड नॉन लाइफ दैट इज जनरल इंश्योरेंस एक्ट भी अप्लाई हो गया था, दोनों इंश्योरेंस ऐड हो गए थे 1938 में। तो द इंश्योरेंस एक्ट 1938 वाज पास, जो कि फर्स्ट लेजिस्लेशन गवर्नमेंट गवर्निंग कौन कर रहा था, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों को ही ऐड कर रहा था। 1912 के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट पास हुआ था, बट 1938 के अंदर लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस दोनों ही पास हो गए थे। क्लियर है बच्चे? और इस एक्ट का मेन जो एम था वो क्या था, कि प्रोवाइड स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर इंश्योरेंस बिजनेस। अब स्टेट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ पे कौन सी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, क्योंकि 1938 तक हमारा देश को, इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, तो उस पे स्टेट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो इस एक्ट का मेन जो रीज़न था यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पूरे के पूरे इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल हो जाए। क्लियर है? ये छोटी सी हिस्ट्री थी लाइफ इंश्योरेंस की। अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है, कि लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, कि सारे का सारा गवर्नमेंट के हैंड में हो जाए, सारा बिजनेस जो भी इंश्योरेंस का है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। तो उसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। तो अब नेशनलाइजेशन का मतलब ही क्या है, कि प्राइवेट हैंड से गवर्नमेंट हैंड्स में आ जाना, ठीक है, किसी बिजनेस का। तो नेशनलाइजेशन हुआ कब, 1956 के अंदर, डेट है 19 जनवरी 1956 में लाइफ इंश्योरेंस का जो ओवरऑल बिजनेस है वो नेशनलाइजेशन हो गया था। और ये अब किसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1947 में हमारी इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी, तो 1947 के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद ये इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके हैंड्स में आ गया था पूरा बिजनेस। अब उसके अंदर हुआ क्या, कितनी इंश्योरेंस कंपनीज थी, तो वो थी 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। अब बच्चे एक मैंने आपको पॉइंट बताना था कि इंश्योरर्स और इंश्योर्ड, इसका डिफरेंस समझाना था आपको। तो ये देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको हम बोल देते हैं इंश्योरर, ठीक है, और जो क्लाइंट होता है, मींस जो पॉलिसी होल्डर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड, ठीक है, पॉलिसी होल्डर, डी, डी से इंश्योर्ड, डी, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, एक लर्निंग का वे है। और कंपनी है जो इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब जो इंश्योरेंस आपको दे रहा है वो हो गया है इंश्योरर। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये सब क्या है, इंश्योरर है। और आप, मैं, कोई फर्म, कोई इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस, कंपनी जो कि इंश्योरेंस करवाती है उसको हम बोल देते हैं इंश्योर्ड, ठीक है। प्रीमियम क्या होता है, जो इंश्योर्ड पर्सन अपनी पॉलिसी लेने के लिए एक मंथली बोल सकते हो, क्वार्टरली या सिक्स मंथली, एनुअली, जो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है इंश्योरर को, उसको हम नेम दे देते हैं प्रीमियम का, प्रीमियम,
समझ आ गया आपको पॉइंट कि इंश्योरर, इंश्योर्ड और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर हम बात ही इंश्योरर, इंश्योर्ड और प्रीमियम से करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बोला ना इंश्योरर्स, इंश्योरर्स क्या हो गया कि 245 इंडियन कंपनीज भी हो सकती हैं, फॉरेन कंपनीज भी और प्रोविडेंट सोसाइटीज हैं, उन सबको, सारी की सारी जो 245 कंपनीज है उन सबको मर्ज करके ये इसके अंदर आ गई थी, इंडियन गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्ड है उसके अंदर आ गई थी। समझ आ गया। अब 1912, 1938 उसमें भी एक्ट तो बने थे, लेकिन वो क्या थे, बिफोर फ्रीडम थे, आफ्टर फ्रीडम। अब पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास हुआ और वो क्या बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट, नॉट कंपनीज एक्ट, इट्स कॉरपोरेशन एक्ट। और वो कब हुआ था, 1956 के अंदर हुआ था, विद कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 5 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके 5 करोड़ के सेटअप के साथ हुआ, बना एक्ट। कब बना, 19 जून 1956 के अंदर। क्लियर है बच्चे। फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट हो गई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। बच्चे एक्ट पार्लियामेंट में पास होने के बाद कुछ टाइम लगता है, उसके बाद सब कुछ क्रिएशन बनती है। तो ये जून के अंदर एक्ट पास हुआ, उसके बाद 1 सितंबर 1956 को लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, या आप ये कह सकते हो कि लागू हो गया था। क्लियर है। तो ये था आपका नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कॉरपोरेशन, सॉरी। तो बच्चे मैंने आपको इस क्लास के अंदर हिस्ट्री समझा दी है और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का नेशनलाइजेशन समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जनरल इंश्योरेंस का करेंगे, और उसके बाद जो भी आपके HSSC के जो भी आपका जो CET का एग्ज़ाम है उसका जितना भी सिलेबस है वो आपको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बना सकूँ। तो सो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।